तो दोस्तों आज हम बात करें ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के बारे में। ग्लैंड फार्मा के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.66% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 1711 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1798, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक कर देगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1866, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1986, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 2140 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2233 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट अपर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 1644 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक है 1576 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 1539 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।